तो अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले की लगातार बात कर रहे हैं, सुनवाई लगातार जारी। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि हिंदू महासभा के नए दस्तावेज पर बेकाबू हुए हैं राजीव धवन। मुस्लिम पक्ष के वकील ने नक्शा फाड़कर फेंक दिया है। राजीव धवन ने नक्शे के 5 टुकड़े तक कर दिए। और यहाँ पर आपको बताएं, हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया और ऑक्सफोर्ड की किताब के हवाले से नक्शा पेश किया। और जैसे ही नक्शा पेश किया, यहाँ पर राजीव धवन और विकास सिंह के बीच तीखी बहस होने लगी और सीजीआई ने वकीलों में बहसबाजी पर अपनी नाराजगी भी जताई है। सीजीआई ने कहा है कि बहस ऐसी ही चलती रहेगी तो हम उठकर चले जाएंगे। तो यहां पर बहस के दौरान जो नक्शा पेश किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा, उसके बाद यहां पर राजीव धवन ने उस नक्शे को फाड़ दिया। सीजीआई इस पर नाराज हुए हैं और कहा है कि अगर इसी तरह से बहस चलती रही तो उठकर चले जाएंगे। मुस्लिम पक्ष के वकील ने यहां पर नक्शे को फाड़ दिया क्योंकि यहां पर हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया। ऑक्सफोर्ड की किताब के हवाले से ये नक्शे को रखा गया क्योंकि आज आखिरी जो सुनवाई हो रही है इसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस पर जो भी सबूत हैं, जो पक्ष हैं अपनी तरफ से यहाँ पर रखे जा रहे हैं, इस पर जो हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से नक्शा दिखाया उस पर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के वकील गुस्सा आ गया और जो नक्शा था उसे फाड़ दिया, 5 टुकड़े तक कर दिए। इसमें फिर सीजीआई काफ़ी नाराज़ हुए हैं इस पर और ये खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से बहस चलती रही तो वो उठकर चले जाएंगे। एक तरफ तो सीजीआई ने कहा भी है कि आज शाम तक सुनवाई होनी, लेकिन ये बहस ऐसी तीखी चल रही है जिसके लिए खबर ये आ रही है कि राजीव धवन जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने नक्शे को ही फाड़ दिया और इसी बात पर नाराज भी हुए हैं सीजीआई। तो लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, सभी को हर तरफ से उम्मीद है। यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें अगर बात करें 45 मिनट का वक्त मिलेगा हिंदू पक्ष को तो वहीं 1 घंटे का वक्त मिलेगा मुस्लिम पक्ष को। लेकिन इस दौरान खबर ये आ रही है कि हिंदू महासभा ने जो अपने सबूत के तौर पर जो दस्तावेज पेश किए जिसमें नक्शा रखा एक, और जैसे ही नक्शे को रखा यहाँ पर बहस शुरू हो गई, उस नक्शे को फाड़ दिया गया। राजीव धवन ने फाड़ा है और ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं जिन्होंने ये नक्शे को फाड़ा और ये जो बहस होती रही इससे नाराज़ हुए हैं सीजीआई रंजन गोगोई और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर इसी तरह से बहस और चलती रही और ये चीज़ होता रहा कि कोई नक्शा फाड़ रहा है और इसका दर यहाँ पर कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की गई तो वो उठकर चले जाएंगे।